क्यों ये इसमें आ जाएगा? नहीं नहीं बड़ा डब्बा ला। अरे 15 दिनों को लिया यार। तो दोस्तों आज एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हैं। आप देख रहे हैं आपका ही अपना YouTube चैनल स्नेक कैचर इंदौर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कोबरा सांप है जो देश का सबसे खतरनाक है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम है जिसकी बाइट से हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और कुछ ही घंटों में हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि सांप कोई भी आगे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और ये जो रेस्क्यू है ये है नरीमन सिटी, छोटा मंगड़दा के पास में नरीमन सिटी है, वहाँ का रेस्क्यू है। देख सकते हैं आप कितना काला है, ब्लैक कोबरा, फुल ब्लैक कोबरा है। ये कोबरा इतना काला है कि इसके फन के पीछे का जो निशान है वो भी आप देख सकते हैं, कितना लाइट दिख रहा है। और उसका कारण है इस सांप का डार्क कलर, बहुत ज़्यादा काला है ये, देखिए आप अलग ही दिख रहा है। तो ब्लैक कोबरा बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये फुल ब्लैक कोबरा हमारे MP में ही होते हैं, पूरे देश में नहीं मिलते हैं। ये ज़्यादा थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन जब तक हम इनसे छेड़छाड़ ना करें तब तक ये हमें बाइट करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे देश में सांपों की पूजा की जाती है, और सांपों से मतलब कोबरा जिसे नाग भी कहा जाता है, तो नाग देवता के रूप में इन सांपों की पूजा की जाती है। कई समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आगे होके कभी भी इंसानों पर अटैक नहीं करना चाहते। तो हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि किसी भी सांप को नुकसान न पहुंचाएं, ना उनसे छेड़छाड़ करें। कहीं भी स्नेक रेस्क्यू के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। और बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। लिया डब्बा? ये इसमें आ जाएगा? नहीं नहीं बड़ा डब्बा ला। अरे 15 दिनों को लिया यार। लो ये पकड़ो। तो नरीमन सिटी है जहाँ पर जो मजदूर भाई हैं उनकी झोपड़ी में ये सांप था। तो हमारे पास कॉल आने के बाद सही समय पर हम वहाँ गए और इसे रेस्क्यू किया। देख सकते हैं आप ब्लैक कोबरा, बारिश में बिलों में पानी भरने की वजह से सांप सूखी जगह के चक्कर में हमारे घरों के आसपास या घरों में आ जाते हैं, खाने के लिए भी घूमते रहते हैं ये, तो खाने के चक्कर में भी कई बार हमारे आसपास आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें नुकसान पहुँचाने आए हैं, सांप हमारे दोस्त हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, कभी भी नुकसान ना पहुँचाएँ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। और कहीं भी स्नेक रेस्क्यू के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।